सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी सौरमंडल के ग्रह से जुड़े रहते हैं, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जिस दिन जो ग्रह प्रभावी हो उसी के अनुकूल कार्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह की अपनी एक खासियत होती है, तो रविवार का दिन समस्त देवताओं में से साक्षात माने जाने वाले सूर्य देव को समर्पित है, इसीलिए ये दिन कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देना भी बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है, लेकिन अर्घ देने की सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए वीडियो के अंत में हम आपको अर्घ देने की सबसे सरल विधि बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए पहले बताते हैं कि रविवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस दिन सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए, तो वहीं तांबे की चीज खरीदना और बेचना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर हो सके तो इस दिन सूर्य अस्त होने से पहले नमक का सेवन करना नहीं चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं सूर्य से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय। रविवार को सुबह घर से किसी काम के लिए निकलने से पहले गाय को रोटी दें। संभव हो तो रविवार के दिन गाय की पूजा करें, तो वहीं एक पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर चढ़ाएं। इससे भी आपको लाभ होगा। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो रविवार के दिन घर के सभी सदस्य अपने माथे पर चंदन तिलक लगाएं। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर रविवार के दिन खिलाएं। अगले उपाय के तौर पर चींटियों को खोपरे व शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाएं, या फिर शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर रविवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें। अगर इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो जीवन में खुशहाली और समृद्धि बढ़ेगी। चलिए अब आपको सूर्य को अर्घ देने की विधि बताते हैं। सूर्य को जल अर्पित किए जाने वाले जल को लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल के साथ मिश्रित करें। अर्घ देते समय सूर्य की किरणों पर भी ध्यान देना चाहिए कि किरणें हल्की न हों। तो वहीं अर्घ देते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्य नमः का 11 बार जप करना चाहिए। इसके बाद सूरज की ओर मुंह करते हुए 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए केवल तांबे के बर्तन या गिलास का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान गायत्री मंत्र का भी जाप करना भी शुभ माना जाता है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए अर्घ भी उसी दिशा में अर्पित करना फलदायी है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक हर दिन सूर्य को अर्घ देने से व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव कम होता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे उसके जीवन पर पड़ने वाले शनि के हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।